तो क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम। आप लोग देख रहे हैं टेक यूनाइटेड और आईफोन 15 के कई सारे लीक्स आ चुके हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो एंड तक देख लेना, देखोगे ना, देख लेना प्लीज। ठीक है। और इस पर भी आपको दोस्तों 6.7 इंच और 6.1 इंच मिलेगी दोनों प्रोज और नॉन प्रोज के फोन्स में, या अगर मैं बोलूं आईफोन्स में। और जब आईफोन 14 लॉन्च हुआ था भाई, कई सब लोगों को शिकायतें थी कि भाई आईफोन 14 में नॉन प्रोज में आपको डायनेमिक आइलैंड नहीं दी गई है एप्पल वालों की तरफ से, सिर्फ प्रो वेरियंट्स में दी गई है। लेकिन इस बार आपको आईफोन 15 की सभी सीरीज में, सभी के आईफोन मॉडल्स में आपको डायनेमिक आइलैंड मिलेगी, जो कि बाकी देखने में बहुत बढ़िया लगता है, ग्रेट एक्सपीरियंस बना देता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच में। आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस में आपको डायनेमिक आइलैंड तो मिल जाएगी, लेकिन दो चीज़ों की शिकायतें जरूर रहेगी आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस में, जो कि है भाई मतलब कितना टफ है यार आईफोन 15 प्लस बोलना। प्लीज़ अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूँ तो प्लीज़ अवॉइड करना इस चीज़ को। लेकिन दो चीज़ों आपको छोड़नी पड़ेगी, जी हाँ, साइड पर रखनी पड़ेगी, जो कि है भाई एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो कि आपको नहीं मिलने वाली नॉन प्रो सीरीज़ में, और एक हो रहा है भाई 60 हर्ट्ज। जी हाँ, आपको 60 हर्ट्ज अभी भी मिलेगी, जो कि कंटिन्यू हो रही है कई सालों से। आईफोन 13 नॉन प्रो सीरीज़ में भी थी, आईफोन 14 के नॉन प्रो सीरीज़ में भी थी, और आईफोन 15 के नॉन प्रो सीरीज़ में भी वही चीज़ रहेगी। तो मतलब आपको एक स्मूथ रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा, मतलब 60 हर्ट्ज में आपको चलाना पड़ेगा आईफोन 15 भी, जबकि आईफोन 15 के प्रो सीरीज में आपको 120 हर्ट्ज के साथ साथ एक स्मूथ रिफ्रेश रेट भी मिलेगा एंड डेफिनेटली आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलेगी। अब बात कर लीजिए भाई चिपसेट कौन सा होएगा, प्रोसेसर कौन सा डाला जाएगा इन सीरीज में। अब जो नॉन प्रो सीरीज होगी आईफोन 15 की, इसमें भाई आपको A16 जबकि वही पुराने वाला आपको डाला जाएगा जो अभी लेटेस्ट आ रहा है। जबकि अगर मैं प्रो सीरीज के बारे में बात करूं, जो कि आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स, मुझे नहीं पता नाम क्या रहेगा, शायद अल्ट्रा रहे, ठीक है, तो मैं श्योर नहीं इस बात पे, ये डेफिनेटली लीक्स है तो थोड़ा बहुत ही सच होएगा इनमें से। लीक्स के हिसाब से चले तो भाई इसमें आपको मिलेगा A17 बायोनिक चिप जो कि लेटेस्ट रहेगी एप्पल के हिसाब से, एंड जो नॉन प्रो सीरीज होगी उसमें आपको पुराना ही चिपसेट मिलेगा जो चल रहा है मतलब इस साल, जो कि है A16। अब जैसा मैंने बोला था भाई ये आईफोन 15 के लीक्स है, तो भाई कुछ कुछ सच भी हो सकता है, कुछ कुछ झूठ भी निकल सकता है। ये आगे जाके भाई एप्पल बता देगा कि कौन सा सच है कौन सा झूठ है, बट डेफिनेटली इस पे पूरा आप यकीन मत कीजिए। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ लीक्स, उन पे आप यकीन कीजिए, क्योंकि भाई ये बहुत बड़े लीकर्स ने लीक्स फैलाया आईफोन 15 के बारे में। अब यहाँ पे कन्फर्म लीक्स कौन से मैं बता दूँ भाई आपको। अब जैसे कि आपको अब लेटेस्ट आईफोन्स में बटन्स देखने को मिलते हैं, जो कि है पावर बटन, एक वॉल्यूम अप डाउन का, एक स्लाइडर बटन आपको देखने को मिलता है, उनको हटा के भाई एप्पल कर देगा कैपेसिटिव बटन्स। अब कैपेसिटिव बटन्स क्या होते हैं, इसका एग्जांपल हमारे पास सामने है, जो कि ये आईफोन 8 से स्टार्ट होता है, ठीक है, मतलब कई सालों से जो बटन वाले आईफोन्स आते हैं ना, होम बटन वाले साथ से, ठीक है, उनमें आपको एग्जांपल देखने को मिलता है, वो एक बटन नहीं होता, मतलब अगर आप उसको फिंगर लगाओगे ना तो आपको बटन की तरह फील होएगा, लेकिन उसके सामने अगर आप कपड़ा रख दोगे तो वो बटन वर्क ही नहीं करेगा। उसको कहते हैं भाई कैपेसिटिव बटन, वो मतलब फील कराता है कि एक बटन है लेकिन एक्चुअली एक बटन नहीं होता। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास आईफोन 8 है एंड इसमें भाई आपको होम बटन देखने को मिल जाता है। अब ये होम बटन एक्चुअली एक बटन नहीं है, ये कैपेसिटिव बटन के ही अंडर ही आता है, एंड जैसे मैं इसके ऊपर कपड़ा लगाऊंगा तो ये फील नहीं करवाएगा मेरे को एज अ बटन। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि भाई नॉर्मल बटन को हटा के कैपेसिटिव बटन क्यों लाए जा रहे हैं लेटेस्ट आईफोन में, इसका रीजन है भाई कि वाटर प्रूफिंग ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जैसे बटन्स में कुछ कुछ छेद होते हैं, उनके अंदर पानी चल जाता है तो भाई वारंटी तो खत्म ही हो जाती है एकदम, फिर एप्पल भी कुछ नहीं कर पाता उन चक्करों में, और उसी को ही भाई अब इम्प्रूव करने वाला है एप्पल, बटन की तरह फील करवाएगा आपको, जिससे क्या होगा वाटर प्रूफिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आईफोन्स में। अब आप सोच रहे होगे भाई ये कैपेसिटिव बटन्स वर्क कैसे करेंगे लेटेस्ट आईफोन्स में, तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं, अब के जो लेटेस्ट आईफोन्स आएंगे इनमें आपको तीन मोटर्स देखने को मिल जाएगी, वाइब्रेशन मोटर्स देखने को मिल जाएगी अलग अलग जगह, तीनों साइड अलग अलग जगह, जी हाँ दोनों साइड सेम होगी, एक आपको नीचे की तरफ मिलेगी एंड वो क्या होगी वाइब्रेशन मोटर होगी, और वो एक्चुअली आपको फील करवाएगी ऐसे बटन की आप वाइब्रेट कर रहे हो, एंड वो हैप्टिक फीडबैक बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, जिस वजह से जिसको आईफोन 15 में कंटिन्यू किया जाएगा। अब यहाँ पे खुशी की बात पता है कौन सी है, कि आईफोन 15 और आईफोन 15 के बाद जितने भी मॉडल्स आएंगे उनमें सभी में आपको भाई टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो मतलब आप अपनी नॉर्मल टाइप सी केबल के साथ भी अटैच कर सकते हो, एंड ये उनको करना पड़ा क्योंकि भाई अब कह रही थी कि हाँ सारी जो कंज्यूमर होती है ना कुछ तो होती है भाई, मतलब बहुत बड़ी एक वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भाई फोर्स किया एप्पल को कि भाई लेके आओ टाइप सी पोर्ट, क्योंकि सभी अब टाइप सी पे स्विच हो चुके हैं, पूरी दुनिया टाइप सी पे स्विच हो चुकी है, तो अब अपने फोन्स भी टाइप सी पे स्विच करो। इससे क्या होगा भाई लोगों को एक ही केबल कैरी करनी पड़ेगी, अलग अलग केबल्स नहीं कैरी करनी पड़ेगी, तो उससे क्या होगा बायोडिग्रेडेबल भी ज़्यादा बचेगा। तो ये थे भाई आईफोन 15 के कुछ लीक्स। अब वेट करना क्योंकि भाई आईफोन 15 अल्ट्रा की भी कुछ लीक्स मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाली वीडियोज़ में, तो उसके लिए भाई सब्सक्राइब कर दो। एंड भाई जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, इन लीक्स में आप पूरा कन्फर्म मत करो, ठीक है, ये कभी कभी सच भी होते हैं, कभी झूठ भी होते हैं, या कभी जानबूझ के ना एप्पल इन लीक्स को बदल भी देता है कि उनकी भविष्यवाणी सच ना हो जाए। बट डेफिनेटली जो मैंने लास्ट के दो लीक्स
होता है उन पे आप टोटली कंफर्म कीजिए, क्योंकि भाई वो रहने वाले मैंडेटरी रहने वाले एप्पल्स में। एंड डेफिनेटली अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।